हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5, नेम ग्रुपिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट काइंड। ये अलग अलग तरह के मटेरियल्स को हम जब ग्रुपिंग करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे हम अपनी क्लास में चारों ओर देखते हैं, ब्लैक बोर्ड, चौक, डेस्क, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बेडरूम में बेड, चेयर, टेबल, क्लॉथ, शूज, इस तरह की। किचन में बर्तन हो गए, गैस सिलेंडर, और ड्राइंग रूम में सोफा, टेबल, टेलीविज़न, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिस प्लेग्राउंड में हमें गेम वाली चीज़ें मिलती हैं, पार्क में जाते हैं तो अलग अलग तरह के झूले होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे आसपास लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, और अलग अलग शेप की, कलर की, अलग अलग उनका यूज़ होता है। और जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह के मटेरियल से या फिर डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनी होती है। देन ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल और थिंग्स। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, फिर उनको हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, किस तरह से उनकी ग्रुपिंग की जाती है उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पर। जैसे हमें किचन में बर्तन की जरूरत होती है, ना कि ड्राइंग रूम में। इस तरह से क्लासरूम हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है, ना कि किचन में चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हम ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइब्रेरी में हमें एक ही जगह, जैसे इंग्लिश की सारी बुक्स होती हैं, फिर हिंदी की सारी बुक्स होती हैं, अगर वो चीज़ मिक्स हो जाए तो हमें ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उनको ग्रुप में रखा जाता है। अब क्लासिफिकेशन की कैसे जाती है, उनकी सिमिलैरिटीज या फिर डिसिमिलैरिटीज के आधार पर। और जैसे प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं क्योंकि वो सेल से बने होते हैं, और उसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होती हैं। इस क्लासिफिकेशन और उनकी शेप पे की जा सकती है। जैसे ऑरेंज राउंड शेप का होता है, फुटबॉल राउंड शेप की होती है, इस तरह से हम करते हैं। उनके साइज के शेप पे कर सकते हैं, कलर के शेप पे कर सकते हैं, शेप के बेस पे कर सकते हैं। और ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं जो एक तरह के मटेरियल से बनती हैं, लेकिन इसके अपोजिट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनती हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, की मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस तरह से हमारे लिए सुटेबल होती हैं। फर्स्टली अपीयरेंस, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग नजर आते हैं, जैसे वुड, मेटल, प्लास्टिक। लेकिन जो कुछ तरह के मटेरियल्स होते हैं उनका वर्क सेम होता है, लेकिन उनकी अपीयरेंस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है।